नमस्कार दोस्तों, अपनी पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइंस का जब भी जिक्र होता है तो उनमें रेखा का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को बेहद नायाब फिल्मों का तोहफा देने वाली रेखा को कौन नहीं जानता। आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन और उनकी फिल्मों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था और वह 66 वर्ष की हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रेखा ने अपने जीवन में जितना भी स्ट्रगल किया पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। रेखा ने जिन भी फिल्मों में काम किया वह एक से बढ़कर एक थी और उन्होंने तेलुगु फिल्मों में भी काम किया और हिंदी फिल्मों में भी, लेकिन उनकी पहचान आज भी एक ऐसी अदाकारा के रूप में होती है जिन्होंने अपने समय में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। आपको बता दें कि रेखा को कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और उन्हें 2010 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। रेखा का जन्म पुष्पवल्ली नामक जगह पर हुआ था और वहां से मुंबई तक का सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन रेखा ने कभी भी हार नहीं मानी और हर उस फिल्म में रोल निभाया जिसकी लोग कल्पना मात्र ही करते हैं। आज के समय में कई लोग उन्हें अपना आइडल मानते हैं, लेकिन रेखा की बराबरी कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको रेखा की अदाकारी कैसी लगी थी हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।